नमस्कार, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। अभी हाल ही में एक दिन पहले ही अमेरिका का जो रक्षा विभाग है पेंटागन, तो पेंटागन की जो रिपोर्ट है वो उसके डाटा लीक हो गई है। वहीं का एक कर्मचारी था जैक, ठीक ना, तो उसी ने इस डाटा को लीक कर दिया है। इस लीक में अमेरिका का पूरा वास्तविक जो कच्चा चिट्ठा है पूरा उतर चुका है। यहाँ युद्ध का जो असली कारक है, दुनिया में जहाँ जहाँ युद्ध होते हैं उसकी असली वजह कौन है, तो अमेरिका है। इस रिपोर्ट से, इस जो खुफिया जो रिपोर्ट निकली है उसे यह पता चल चुका है। और अमेरिका के जितने भी मित्र देश हैं, चाहे वह यूक्रेन, दक्षिण कोरिया, इसराइल, भी इसको सबकी निगाह से देखते हैं। क्यों? कहीं ना कहीं अमेरिका जो है यूक्रेन की भी जासूसी करता है, दक्षिण कोरिया की भी करता है और इसराइल की भी करता है। सबसे बड़ी देखिए, मैंने उसके जितने सहयोगी हैं उसके साथ हैं या नहीं है, इसके लिए भी उसने जासूस लगा रखे हैं। तो इसके मित्र राष्ट्र भी बहुत इससे ज़्यादा नाराज हैं। अब अमेरिकन जस्टिस डिपार्टमेंट ने इसकी जांच की बात कही है। अब यहाँ पे एक बात खुलासा हुआ है कि यूक्रेन को युद्ध लड़ाने के पीछे पूरा का पूरा अमेरिकी साजिश थी, ठीक ना। अब यहाँ पे ये देख लेंगे। और इस मुद्दे पे मित्र राष्ट्र जो अमेरिका है उन्होंने उनसे सवाल, यानी अमेरिका से ढेर सारे सवाल भी पूछे हैं। ये जो पेंटागन रिपोर्ट लीक हुई है उसमें ये पता चल जाता है कि रूसी सेना में CIA या अमेरिका के कई एजेंट हैं जो उसको ये रिपोर्ट बता देते हैं कि यूरोप में यूक्रेन में कहाँ पे बम गिरने वाला है, कहाँ मिसाइल गिरने वाला है। यानी रूसी सेना में अमेरिका के जासूस हैं जो पहले ही बता देते हैं ये मिसाइल इस जगह गिरने वाली है, यूक्रेन में इस जगह गिरने वाली है। अमेरिका तुरंत उस खबर को यूक्रेन को बता देता है कि मिसाइल यहाँ गिरने वाली है, यहाँ गिरने वाली है। पहला तो ये। दूसरा है, आपको यूक्रेन के जितने भी आर्मी है उनको प्रशिक्षण देने का काम सारा का सारा अमेरिकन जो पुलिस है, सेना के जवान है, वो कर रही है। अब यहाँ पे देखिए, साउथ कोरिया ने पोलैंड को हथियार भेज दिए, ठीक ना, लेकिन यूक्रेन को नहीं दिया। वो कहा कि हमारे नियम शर्तों के अधीन ये चीज़ नहीं है कि आपको हम हथियार दें, लेकिन पोलैंड को हथियार भेजे। इसकी रिपोर्ट भी उन्होंने यहाँ पे पेंटागन रिपोर्ट में लीक में ओपन हो चुका है। अब यहाँ देखिए, इन्होंने इसराइल को, अमेरिका ने इसराइल को भी नहीं छोड़ा। मोसाद जो इसराइल की खुफिया जासूसी संस्था है, ठीक ना, इन्होंने हाल ही में जो बेंजामिन नेतन्याहू जी थे, ठीक ना, तो बेंजामिन नेतन्याहू के विरोध में पूरे देश में एक लहर आई थी, क्योंकि उन्होंने संसद को सुप्रीम बना दिया, संसद को सुप्रीम कोर्ट के ऊपर रख दिया था। इसके विरोध में पूरा इजरायली नेतन्याहू के खिलाफ थी। तो अमेरिका ने ये बताया कि कहीं ना कहीं इस जो इसराइल में अभी विरोध प्रदर्शन हो रहे थे उसके पीछे मोसाद था, मोसाद ने इसको बढ़ावा दिया है। यानी कि अमेरिका वाले इसराइल की भी जासूसी करते हैं। एक और सबसे इम्पॉर्टेंट है, रूस के राष्ट्रपति जो व्लादिमीर पुतिन जी हैं, ठीक ना, इनकी एक अपनी प्राइवेट सेना है जिसका नाम है वैगनर ग्रुप, ठीक ना। अब वैगनर ग्रुप जो है यह माली देश है अफ्रीका में, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। तो माली देश में जो संघर्ष हो रही है, ठीक ना, तो उस संघर्ष में वैगनर ग्रुप प्रत्यक्ष रूप से शामिल है और माली देश को कहीं ना कहीं वीपन भी सप्लाई करता है। इस रिपोर्ट में कई चीज़ों, पहला, अमेरिका सभी किसी का सगा नहीं है, सभी देशों की जासूसी करता है, किसी भी देश पे उसको विश्वास नहीं है, और यह बताने की कोशिश भी कर रहा है कि कहीं ना कहीं, ठीक ना, उसको सारी चीज़ें जो हो रही है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशंस में, उसको हर चीज़ की खबर होती है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए करंट अफेयर्स के लिए, UPSC, JPSC, BPSC एग्जाम के लिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।